हेलो दोस्तों, यस मैम का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम नए वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB जो है, इसके अंतर्गत में लैब टेक्निशियन वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें अदर अदर पोस्ट भी वैकेंसी है, जैसे स्टाफ नर्स का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया। इसके अलावा और भी पोस्ट पे हैं, जैसे ड्राइवर्स का हो गया, अदर भी ऐसे हैं, स्टोर कीपर का हो गया। तो हम बात करेंगे कि मतलब जो हमारा लैब टेक्निशियन वैकेंसी है, ये आया हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है, कौन भर सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल बात करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकला है, ये दिल्ली का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जो हमारा क्या है, DSSB मतलब दिल्ली सबॉर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये हमारा वैकेंसी आया हुआ है। जो नोटिफिकेशन ये जारी हुआ था, ये 5/3/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और जो ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये आज से स्टार्ट हुआ है, 21/3/2024 से स्टार्ट हुआ है, 21 मार्च से। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 12 बजे से स्टार्ट हुआ है, 12 PM पे। और जो लास्ट डेट होगा इसका कब होगा? 19 अप्रैल को लास्ट डेट होगा। कब तक है इसका? 11:59 PM पे है, मतलब कि 19 तक आपका क्या है, लास्ट डेट है 19/4। 21 से स्टार्ट हुआ है आपका, और 19/4 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। इसमें अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, तो वैकेंसी हमारे लैब टेक्नीशियन का है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ट्रेड पे है, फार्मासिस्ट का है, और जो हमारा एलोपैथिक में है, जूनियर फार्मासिस्ट का है, और इसमें अलग भी है, स्टाफ नर्स का भी है, जो नर्स हैं उनका भी है, ANM करी हुई जो है, ड्राइवर जो है उनका है, स्टोर कीपर का भी है। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल देखते हैं, इसका फीस कितना है और कौन कौन सा पोस्ट है। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किस पे बात करेंगे? लैब टेक्नीशियन का। तो लैब टेक्नीशियन अगर देखेंगे तो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट कोड, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लैब टेक्नीशियन पोस्ट कोड जो हमारा है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट कोड जो है दोस्तों 814/24 है, 24 है दोस्तों, कितना 814/24 हमारे ये पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड हमारा लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 में है, जो कार्डियोलॉजी से, जिसमें किसमें है, हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयरनेस में। इसमें टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 38 पोस्ट हैं। इसमें देखा गया यहाँ जनरल हमारा कितना है, इसमें लेवल जो हमारा 5 लेवल है, जनरल कितना है, फिर OBC कितना है, फिर इसके बाद अलग EWS के कितना है, फिर SC ST के कितना है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। टोटल हमारे कितने पोस्ट हैं? 38 पोस्ट हैं। अब लैब टेक्नीशियन 4th हम ग्रुप की देखेंगे, यहाँ बायोकेमिस्ट्री में, तो इस ये भी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से है। इसमें टोटल पोस्ट कितने? 6 पोस्ट हमारे हैं, और ये कैटेगरीज वाइज ये हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। अब लैब टेक्नीशियन देखेंगे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, इसमें हमारे 5 लेवल दोस्तों, ये पे लेवल स्केल है हमारा सैलरी का, तो 5 लेवल है हमारे, लेवल 5 है। इसमें हमारे टोटल पोस्ट कितने हैं? 10 पोस्ट हैं। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का देखेंगे ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो इसमें कितना? 1 वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी। और यहाँ पर हम अब आगे चल के देखेंगे पूरा क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसका कंप्लीशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसका सिलेबस हमारा क्या क्या है, कंप्लीट हम देखेंगे। यहाँ पर देखो फार्मासिस्ट का है, जो फार्मासिस्ट का पोस्ट कोड है दोस्तों 815/24 है। यहाँ पर स्टाफ नर्स का अगर हम देखेंगे तो 816/24 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना पोस्ट किस में है, ये नोटिफिकेशन आप सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसके आगे हम डिटेल चल के देखेंगे क्वालिफिकेशन हमारा क्या क्या है। तो ये हो गया हमारा, फार्मासिस्ट का भी देख लिया, फार्मासिस्ट में क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लास्ट डेट आपको बता दिए कब होगा, 19/4 को लास्ट डेट है। कब तक टाइम तक है इसका? 11:59 तक, 19 अप्रैल से का लास्ट डेट है। जो टाइमिंग है मतलब 19 अप्रैल पूरा कंप्लीट, 12 बजे जब तक 11:59 नहीं हो रहा PM, तब तक का इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर हम और आगे चल के देखेंगे फुल क्वालिफिकेशन देखेंगे डिटेल में क्या क्या है। तो हम चले जाएँगे किसका देखना है मुझे, ये है ड्रग काउंसिलिंग डिपार्टमेंट का है, जिसमें हमारे ड्राइवर्स का है। तो हमें देखना है किसका? लैब टेक्निशियन। हम लैब टेक्निशियन के बारे में बात करेंगे, और बाकी जिसकी अलग ट्रेड्स में भरना चाह रहा है, तो नोटिफिकेशन ये आप गूगल से सगाई रिजल्ट पे जा करके, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे देखते हैं कि यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे आ गया हमारा कहाँ, लैब टेक्नीशियन यहाँ पे है। नेम का पोस्ट जो हमारा क्या है, नेम ऑफ पोस्ट लैब टेक्नीशियन है, ग्रुप 3 का है लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे ग्रुप 4 का भी है इसमें, और लैब टेक्नीशियन का पोस्ट कोड कितना है? 814 है। तीनों का जो पोस्ट कोड है लैब टेक्नीशियन का 814/24 पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड याद होना चाहिए आपको, जब फॉर्म भरने लगेंगे तो यही भरना पड़ता है पोस्ट कोड आपको, या ऑटोमेटिक हो लेगा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट किसमें? हेल्थ और फैमिली वेलफेयरनेस में है। लैब टेक्नीशियन का है 3rd फ्लोर, इसमें हमारा क्या, कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी में लैब टेक्नीशियन जो हमारा लैब्स हैं, ECG में, इसमें आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं कि कितनी वैकेंसी किस में है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हम आप लोग बताया 38 है, तो इसमें हमारा जनरल में वो कितना है, 13 है, OBC में 11 है, SC में 6 है, ST में 4 है, EWS में 4 है। टोटल कितना हो गया? 38 हमारे जो हो गए वैकेंसी हो गए। इसमें हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जो हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है क्या क्या है। तो BSc मांग रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट का,
कहीं भी ग्रुप और लेबोरेटरी में किसी भी ग्रुप चीज में जो लेबोरेटरी दिया है, यहाँ पे एक लैब असिस्टेंट का आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस होना बैचलर के साथ साथ में। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब्स में, इस ईईजी में, ईएमजी में, ईआरजी में, सीसीयू में, ये जो हमारे डिपार्टमेंट दिया गया है यहाँ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएससी के साथ साथ एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लो ये नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन मांगा है तो 10+2 होना चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? जो यहाँ पे लैब असिस्टेंट का होना चाहिए, जो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है इस डिपार्टमेंट से, अगर 10+2 है आपके पास तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट दिया गया है इसमें से, इसी लैब असिस्टेंट का, कार्डियोलॉजी से, न्यूरोलॉजी का, रेस्पिरेटरी लैब से, ये सब होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपका 10+2 होना चाहिए, फिर एमएलटी होना चाहिए आपका, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स होना चाहिए, साइंस से आपका, चाहे बीएमएलटी हो या चाहे डीएमएलटी हो, 3 साल का उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिपार्टमेंट ये जो हम आपका एक्सपीरियंस हो इस लैब से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। अगर हम पे स्केल की बात करेंगे, पे स्केल के बाद जो है 29,200 से लेकर के 92,300 सैलरी हमारा जो है, लेवल 5 है, एक ग्रुप जो वैकेंसी हमारा ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो ये एज लिमिट, अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो एक मतलब 21 से लेके 32 ईयर्स तक आपका एज रिलैक्सेशन अगर हम मिलेगा, अगर आपने किसी, अगर इसके पहले आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे या, तो उसका आपको 35 तक आपका एज हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको हम आगे चल के देखते हैं। और ये हम दूसरे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4th में, ग्रुप 4 की हम देखेंगे, यहाँ लैब टेक्नीशियन में हमारे टोटल पोस्ट कितने हैं, 6 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल का 2 है, ओबीसी का 1 है, एसटी का जो है 3 है, हमारे टोटल कितने के 6 पोस्ट हमारे हैं। इसका क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखा है बीएससी एमएलटी, मतलब बीएमएलटी मांग रखा है। अगर बीएमएलटी आपके पास नहीं है तो आपका 10+2 होना चाहिए, इसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी, मतलब डीएमएलटी होना चाहिए। इसका मतलब चाहे बीएससी एमएलटी हो या तो आपका 10+2 हो, डीएमएलटी हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया गया है उसका, चाहे बायोकेमिस्ट्री में, चाहे एंडोक्राइन और मेटाबोलिज्म लैब में, डायलिसिस लैब में, या सर्जिकल लैब में, ब्लड बैंक में, एनाटॉमी में, किसी का डीएमएलटी बीएमएलटी कर रखा है तो इसके बाद किसी के पास तो लैब का एक्सपीरियंस होगा ही, चाहे ब्लड बैंक में हो, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में होगा ही ना किसी के पास, तो ये अपना ये भर सकते हैं। अगर इसमें हम देखेंगे कि पे स्केल की बात करेंगे तो पे स्केल का लेवल जो है 29,200 से 92,300 है, और लेवल 5 है, ग्रुप सी के अंतर्गत में वैकेंसी आता है। और एज की बात करेंगे तो 18-27 साल है, एज रिलैक्सेशन हमारा इसमें भी मिल जाएगा। ओबीसी है कितना साल मिलेगा, जनरल वालों को कितना नहीं मिलता, और उसके बाद एससी एसटी वालों को कितना मिलेगा, वो लास्ट में हम देखते हैं एज की बात कितना है। यहाँ पे हम देखेंगे लैब टेक्नीशियन जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, इसमें लैब टेक्नीशियन जो वैकेंसी हमारा टोटल कितने हैं, 10 पोस्ट है हमारे, 10 वैकेंसी हैं। इसमें हमारा ओबीसी में 5 है, एससी में 1 है, एसटी में 2 है, जनरल में यहाँ पे सीटें नहीं हैं। और यहाँ पे हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, हमारे जो हक है यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और या ग्रेजुएट हो आप, या तो ग्रेजुएशन किए हैं तब भर सकते हैं आप फॉर्म को। यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, या अगर बीएमएलटी का बीएमएलटी होना चाहिए, या ग्रेजुएशन भी होना चाहिए आपका। और सैलरी की हम बात करेंगे पे स्केल का, तो पे स्केल हमारा 29,200 से लेके 92,300 है, लेवल हमारा जो है 5 है, ग्रुप हमारे सी का वैकेंसी है। एज की बात करेंगे तो 18 से लेके 32 साल की आपने भर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन जो वैकेंसी है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन का टोटल पोस्ट हमारे 1 है, किस में है, वो जनरल में है पोस्ट हमारा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो इसमें है बीएमएलटी है, या तो बीएमएलटी आपने किया हो, बीएससी एमएलटी, या तो आपने 10+2 किया हो, इसके बाद डिप्लोमा किया हो आपका डीएमएलटी हो, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे दिया गया है उस डिपार्टमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस लैब का दिया है, जिस डिपार्टमेंट का दिया है। और सैलरी की हम बात करेंगे, सैलरी हमारा जो है 29,200 से लेकर के 92,300 है, लेवल जो हमारा है पे लेवल 5 है, ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और उम्र की बात करेंगे 18-27 साल हमारा उम्र है। इसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ फार्मासिस्ट का है, इसके बाद हम आगे और डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा फार्मासिस्ट का हो गया, ऐसे ही आप नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो अपना फार्मासिस्ट का आप सभी जगह लोगों का देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे ऐसे रोल करके, आप गूगल पे आप सर्च करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें आप बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा जो है कोई भी कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेगा वो इंडिया का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, कोई कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट का हो इंडिया में वो भर सकता है। तो एक कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए।
और यहाँ पे जो कैंडिडेट का ये जो एज मतलब कि कौन से एजिबल हैं, जो इसमें एज दिया गया है एज, और जो क्वालिफिकेशन मांगा वही क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस जिस पे दिया एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, यही रूल जो है फॉलो होगा कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। यहाँ पे बात करेंगे हम जो हमारा क्वालिफिकेशन जो हमारा हुआ है, हमारा एज है जो क्वालिफिकेशन हुआ है, ये हमारा 29/4 तक के मतलब कि फॉलो होना चाहिए, 29/4 से मतलब पहले हो, 19 जो हमारा 4 है दोस्तों, 16 जो 19 अप्रैल 2024 जो है इसके पहले का ही हमारा एज जो होगा माना जाएगा वो। हाउ टू अप्लाई, अगर दोस्तों अप्लाई करना है तो ये हमारा वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, हम वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पे जा करके वहाँ पे जहाँ पे खुलेगा वो अप्लाई आएगा अप्लाई नाउ, तो वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं या तो हमारी इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड आपको डालना होगा, आप पोस्ट कोड डालेंगे तो वहाँ पोस्ट आ जाएगा आपका, किस पोस्ट पे भरेंगे फॉर्म, और उसमें या तो पोस्ट पे भरने के बाद आपको पूरा डिटेल दे देता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हमारे रिजल्ट क्राइटेरिया हो गया, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, आप लोगों को बता दिए कि वहाँ वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर देना है आपको तो। और यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस जो है दोस्तों 100 रुपये है, मतलब 100 रुपीज़ है, चाहे अगर OBC में है या हमारा जनरल में है या EWS में है, चाहे जनरल में है या EWS में है, इनका जो फ़ीस है 100 रुपीज़ है, मतलब 100 रुपये है इनका एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम बात करेंगे फीमेल में या SC ST में, तो SC ST वालों कितना है, 1 रुपये नहीं, 0 है। SC ST वालों का कोई शुल्क नहीं है, इनका 0 रुपये है, मतलब सिर्फ ऑनलाइन करने का जो लगेगा पैसा वो सिर्फ वही लगेगा। SC ST वाले जो है निःशुल्क हैं, SC ST वालों का 0 है, और जो PH वाले हैंडीकेट हैं उनका हो गया 0 हो गया। और दोस्तों कोई भी जैसे फीमेल है, कोई फीमेल अगर फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए भी 0 है, कोई भी आल कैटेगरी के फीमेल, कोई भी कैटेगरी अगर फीमेल फॉर्म अप्लाई कर रही है तो उसका भी 0 फीस लगेगा, उसका कोई फी, और जो इसमें फीस लगा है जिसका वो रिफंडेबल नहीं होगा। और हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न में हम लेफ्ट एग्जाम देखेंगे तो लेफ्ट एग्जाम हमारा कितना था टाइटल 814/24, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 1 टाइटल मतलब कि 8/24 हमारा जो पोस्ट कोड है। अगर हम इसमें बात करेंगे इसमें 2 सेक्शन में हमारा एग्जाम होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा उसमें हमारा टेक्निकल जो हमारे हैं वो सब्जेक्ट के रिलेटेड आएंगे हमारे, और नॉन टेक्निकल जो हमारे हैं वो सेक्शन बी में आएंगे, जो हमने पढ़ा है वो बी सेक्शन में आएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, कितना हो गया दोस्तों, सेक्शन ए सेक्शन बी पैटर्न जो हमारा है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पैटर्न में होगा। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन रहेगा। जो सेक्शन ए है हमारा क्या है, टेक्निकल होगा, जिसमें हमारे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ ये सब आएगा, हिंदी ग्रामर्स ये सब आएंगे। और जो आपका सेक्शन बी होगा वो अपने सब्जेक्ट से आएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए में हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन हो गया, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन हो गया। जितने भी यहाँ पे दिए गए दोस्तों 5 पॉइंट दिया गया, यहाँ पे 5 पॉइंट जो होंगे दोस्तों 20-20 नंबर के होंगे। अगर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कम्प्रिहेंशन होगा 20 नंबर का होगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन 20 नंबर का होगा, अरिथमेटिक नंबर का होगा कितना 20 नंबर का होगा, मतलब 20 नंबर का 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, तो टोटल 5 मिला कितने हो गए 100 क्वेश्चन हो गए। जब 100 क्वेश्चन हो गए कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के हो गए। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया टेक्निकल में। और हम दूसरा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, जैसे DMLT कर रखा है, BMLT कर रखा है, जो और भी क्वालिफिकेशन, जैसे जो स्टाफ नर्स का भर रहा है, स्टाफ नर्स में जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आएगा। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में जो एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे तो फिर 100 नंबर्स के हो जाएंगे। और जो ये सब्जेक्ट है, जो आपने क्वालिफिकेशन आपकी जो है उसी से रिलेटेड आएगा, आपका ब्लड बैंक से, लैब से है, लैब वाला रिलेटेड आएगा, और अदर कोई है स्टाफ नर्स वाला आएगा, फार्मासिस्ट है फार्मासिस्ट वाला आएंगे। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। अगर हम माइनस मार्किंग की बात करेंगे दोस्तों, तो माइनस मार्किंग जो हमारा है 0.1, अगर एक गलत आप करते हैं तो 0.25 माइनस मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग 0.25, अगर एक आपका गलत होता है तो उसमें 0.25 मार्क्स जो आपका कट जाएंगे। और हम अगर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में, जो इसमें हमारे जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे। जब आप अपना वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर चूज कर लेना है, आपको हिंदी में एग्जाम देना है, इंग्लिश में एग्जाम देना है, तो आप लोगों को वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। माइनस मार्किंग है जो कि 0.25 माइनस मार्किंग है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम एग्जामिनेशन पैटर्न की हुई बात, इसके बाद हम देखते हैं जो कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को हम बता दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। एज रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ एज रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं,
एज रिलेशन में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे एस सी एस टी हैं जो बी और सी में ग्रुप में भर रहे हैं उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस वो मिलेगा, रिलेक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। ओबीसी में जो है ग्रुप बी और सी में भर रहे हैं क्योंकि जो भी लैब टेक्निशियन आपने देखा है वो ग्रुप सी का ही था, इसमें ओबीसी में जो होंगे उनको 3 साल का एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा। और ग्रुप जो हैंडीकैप है उनको ग्रुप बी और सी में उन्हें 10 साल का मिलेगा, एस सी एस टी में जो हमारे हैंडीकैप है उन्हें मिले 15 साल का मिलेगा, और इसके बाद जो हमारा ओबीसी में हैंडीकैप है 13 साल का मिलेगा। तो हमारा एज रिलेशन हो गया। अगर किसी को ऐसा लगता है कि एज हमारा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे देखो एज रिलेशन मिल जाएगा। अगर कोई पहले से ही जॉब कर रहा है तो उसे भी एज रिलेशन मिल जाएगा, कोई भी अब संविदा पर कर रहा है परमानेंट कर रहा है उसे भी एज रिलेशन मिल जाएगा। और हम बात करते हैं अब कि क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे लास्ट में जैसे होता है कि हमें पास मार्किंग कितना होगा, तो पास मार्किंग के लिए आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कितना है, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जैसे जनरल में है कोई ओबीसी में है तो कितना क्वालिफिकेशन होगा उसका, मतलब कि कितना होगा जो पास हो आउट हो माना जाएगा, कट ऑफ कितना लगेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो रहेंगे उन्हें 40% लाना ही है, ओबीसी जो है हमारा उन्हें 35 लाना है, एससी एसटी वाले जो है 30% लाना है। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसको 5% की रिलेशन मिल जाएगा, उसे 30% मिनिमम क्या 30 उसको क्वालिफाई के लिए लाना है। जो मेरिट लगेगा दोस्तों हमारा जो टेस्ट सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड जो हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी जो हमारा एग्जाम हुआ है उसी में मेरिट तैयार होगा, और जो कट ऑफ लगेगा वो सेकेंड सेक्शन ए सेक्शन टू दोनों मिला करके क्या होगा कट ऑफ लगेगा। आई हो दोस्तों आप लोग इतना समझ में आएगा, नहीं समझ तो कमेंट